हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आइए आज इस वीडियो में हम करते हैं जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.1 और इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके हम पहला, दूसरा और तीसरा सम है जो ये कर चुके हैं और फोर्थ सम है उसके भी पहले 5 पार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम फोर्थ सम है उसका जो 6 से 10 तक पार्ट है वो सभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है आपके लिए, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लो और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टीचिंग से रिलेटेड जो भी आए आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है उसका 6th पार्ट। इसमें देखी है स्टेटमेंट। आप अपना मैथमेटिक्स जरूर साथ में लेकर बैठा करिए तभी जब भी आप स्टडी करें मैथमेटिक्स, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो अच्छी तरह से समझ में तभी आती है जब आपके सामने मैथमेटिक्स होता है। तो जरूर ध्यान रखिए बात हमेशा। तो ये देखा फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, ये नीचे दी गई हुई है, इनमें से कौन सी एपी है ये बताना है। इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 more terms। और 3 हमने अगली टर्म लिखनी है, यदि वो एपी है तो, यदि एपी नहीं है तो नहीं लिखनी है हमें उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। और हम लिख भी नहीं सकते यदि एपी नहीं है तो, उसकी आइडिया ज्यादा नहीं लगा सकते उसके बारे में क्या आगे टर्म आएगी। तो ये ध्यान रखिए बात हमेशा। तो 6th पार्ट है इसमें देखा 0.22 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
हम देखते हैं, अब फाइंड करते हैं कि यह एक एपी है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होता है हमारा, ये होता है A1, A2, A3, A4। यदि हम D निकालेंगे तो ये होता है A2 माइनस A1, और इसी प्रकार D2 निकालेंगे A3 माइनस A2। यदि ये कॉमन डिफरेंस नंबर 1 और 2 सेम आते हैं तभी हम कह सकते हैं कि दिस इज एन एपी, यह एक एपी है मतलब। तो आगे देखते हैं चलो क्वेश्चन को। A2 ये हमारी और A1 ये है, तो A2 0.22 माइनस 0.2, तो ये निकालेंगे तो हमारा इसके आगे जीरो लगा लेते हैं, इजी रहेगा समझने के लिए। इस तरह यदि आप दशमलव के बाद कोई अंक है उसके आगे कितने भी जीरो लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे क्वेश्चन के कंस्ट्रक्शन पर, तो ये बिल्कुल सेम रहता है। तो हम देखेंगे 2 में से 0 गई 2, 2 में से 2 गया 0, तो आगे पॉइंट है, तो इसके इस तरफ भी हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, तो ये हो गया 0.02 हमारा कॉमन डिफरेंस नंबर 1 आ गया है। अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस नंबर 2, ये होता है A3 माइनस A2, ये हमारा 0.222 माइनस 0.22, ये रहा। इसके आगे भी मैं जीरो लगा लेता हूं तो अब देखते हैं क्या आता है हमारा। ये 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 माइनस 0, और आगे पॉइंट है ये और आगे 0। ये थोड़ा इस तरफ लिख देता हूं, देखिए अब आप देखते हैं कि क्या हमारा कॉमन डिफरेंस नंबर 1 कॉमन डिफरेंस नंबर 2 क्या दोनों सेम है या नहीं है। तो यहां से देख सकते हैं क्लियरली ये दोनों सेम नहीं आए हमारे, तो इस वजह से D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट एन AP। तो हमारा आंसर आया नो, इट इज नॉट एन AP। तो हमें अगली 3 टर्म भी इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट भी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपके लिए काफी सारी वीडियोस उपलब्ध हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, और साथ में कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए भी काफी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में आपके लिए है उपलब्ध। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर।
आगे चलते हैं सेवंथ पार्ट के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन है ये और इसका सेवंथ पार्ट हम करने वाले हैं। इसकी स्टेटमेंट देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है पीयू एक जीरो कोमा माइनस फोर कोमा माइनस एट कोमा माइनस ट्वेल्व और आगे ये चल रही है इस तरह। तो हम अब इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तभी हम बता सकते हैं क्या यह एपी है या नहीं है। तो इसके लिए करते हैं हमारी कैलकुलेशन शुरू। डी वन पिछले क्वेश्चन में भी क्या था हमने, डी वन क्या होता है ए टू माइनस ए वन और डी टू होता है ए थ्री माइनस ए टू। तो निकालते हैं ये माइनस फोर माइनस जीरो, तो ये हमारा आ गया माइनस फोर। आगे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस नंबर टू, माइनस एट माइनस माइनस फोर, तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस एट, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ब्रैकेट के अंदर, तो हमारा माइनस और माइनस आता है प्लस, तो माइनस एट में से प्लस के फोर आएंगे तो माइनस का फोर हमारा आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि डी वन इज इक्वल टू डी टू, डी वन इज इक्वल टू डी टू, तो यस इट इज एन एपी। इस प्रकार हम इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म भी लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट थ्री टर्म किस तरह लिखेंगे, ये हमारा है ए फोर तक देखिए, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, अब लिखनी हमें ए फाइव। हम देख रहे हैं देखिए ये लेस होती जा रही है, माइनस फोर उससे छोटा होता है माइनस एट, ये माइनस चार लेस हो रही है। आगे देखते हैं माइनस ट्वेल्व, इस प्रकार यहां पर लिखने की बजाय मैं यहीं पर लिख देता हूं, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन हमारे से। तो माइनस सिक्सटीन आपने यहां पर लिखना है क्वेश्चन में, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो माइनस सिक्सटीन इससे आगे आ जाएगा माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फोर, इस तरह नेक्स्ट थ्री टर्म भी इसकी हो गई और इससे आगे भी ये चल रही है एपी। ठीक है तो दोस्तों, तो आगे हमारा ए फाइव ए सिक्स और ए सेवन हमने लिख दिया, ये है ए सिक्स और ये ए सेवन, ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी हमने लिख दी है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, बिल्कुल इजी है हमारा नेक्स्ट पार्ट करना, देखते हैं किस तरह करते हैं उसको। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक का बटन जरूर दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है आपके लिए। तो देखिए एक पार्ट पर चलते हैं, इसमें देखिए स्टेटमेंट में ये भी इसी में भी यही बताना है कि एपी है या नहीं है। तो आप देख लीजिए इसमें देखा है माइनस वन बाय टू कोमा माइनस वन बाय टू कोमा माइनस वन बाय टू कोमा माइनस वन बाय टू, हमसे ये पूछ रखा है कि दिस इज एन एपी और नॉट एन एपी। तो इसमें भी हम डी वन निकालते हैं कॉमन डिफरेंस नंबर वन, ये होता है ए टू माइनस ए वन, तो निकालते हैं ए टू है हमारा माइनस वन बाय टू और माइनस माइनस वन बाय टू, ए वन भी माइनस टू है और ए टू भी माइनस टू ही है, सेम है दोनों। तो तब देखते हैं क्या ये मतलब एक थ्योरी भी आप इससे बना सकते हैं, यदि दोनों टर्म सेम है ए वन ए टू और ए थ्री और ए फोर, अगली टर्म भी सेम है, तो क्या वह एपी होती है या नहीं होती है। ये आ गया हमारा डी वन, डी वन क्या आ गया जीरो, क्योंकि माइनस टू में वन बाय टू में से माइनस वन बाय टू लेस करेंगे तो जीरो आता हमारा आंसर। आगे देखते हैं डी टू माइनस वन बाय टू माइनस माइनस वन बाय टू, ये भी सेम ही हो जाएगा माइनस वन बाय टू, और ये प्लस क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है, जब ये आप ब्रैकेट के अंदर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आप करते हैं एक एक प्लस का निशान है और मल्टीप्लाई में माइनस का निशान है, तो अब तब आपका क्या आता है आंसर, माइनस आता है। यहां पर मान लीजिए मैं प्लस लिख देता तो ये माइनस आता यहां पर, लेकिन ये माइनस था तो प्लस आ गया हमारा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये हमारा डी वन और डी टू क्या है, सेम है दोनों, तो इस वजह से दिस इज एन एपी, ये हमारी एक एपी हो गई। तो अगली टर्म भी लिख सकते हैं इसकी, जो कि हमारी सेम ही आएगी, कोई मुश्किल नहीं है, ये फोर तक लिख रही है। ए फाइव भी माइनस वन बाय टू आएगा, क्योंकि ए फाइव होता है जो हमारा होता है ए फोर प्लस, अच्छी तरह से लिख देता हूं साफ करो, ए फोर प्लस
डी, क्योंकि 1/2 में हम 0 ऐड करेंगे तो -1/2 ही आएगा। इसी तरह A6 और A7 भी हमारे सेम ही आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा जरूर। और ये जो भी दोस्त आपके स्टडी कर रहे हैं 10th क्लास और अदर क्लासेज में, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल का लिंक जरूर भेज दीजिए दोस्तों को, ताकि वो भी फायदा उठा सके, घर बैठे स्टडी कर सके ऑनलाइन। इसमें आपको ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, इस तरह की आपको यदि हेल्प मिल जाती है कहीं से। तो आगे देखते हैं 9th पार्ट। आगे है 9th पार्ट, इसमें देखा है 1, 3, 9, 27 आगे फॉलो हो रही है। तो देखते हैं हम A1, A2, A3, A4 दी हुई है हमें, तो D1 निकालते हैं। तो D1 होता है A2 - A1, ये आ गया हमारा 2। क्या आ गया हमारा ये 2, 3 - 1। और D2 हमारा आ गया 9 - 3 = 6, 9 - 3 = 6। तो इस प्रकार हम देखते हैं D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट एन AP। हमारा आंसर क्या आ गया? 9 आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। अब चलते हैं 10th पार्ट पर। 10th पार्ट हमारा देखा, ये स्टेटमेंट देख लीजिए आप मैथमेटिक्स के अंदर, A2A3A4A, A, 2A, 3A, 4A आगे फॉलो हो रही है ये पी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि D1 क्या आ गया 2A - A, और D2 आ गया हमारा 3A - 2A, 3A - 2A। ये जो होती है A हमारा कोई वेरिएबल होता है, ये इसकी वैल्यू हमने दे नहीं रखी, इसमें दे रखी होती तो हम इसकी वैल्यू पुट करके तब माइनस कर देते, लेकिन अब देखते हैं कि क्या आता है। इन दोनों में से A कॉमन आ गया और ये हो गया 2 - 1, 2 - 1, यहां पर 2 बच गया और यहां पर 1। तो ये क्या आ गया हमारा A * 1 A आ गया, क्या आ गया A आ गया, A आ गया हमारा। आगे देखते हैं D2, ये हमारा इनमें से दोनों में से भी A कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये क्या बच गया 3 - 2, तो ये भी क्या आ गया, ये आ गया, क्या आ गया हमारा A। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो हमारी AP कंस्ट्रक्ट हो रही है नहीं हो रही। देखिए इस प्रकार हम चेक करते हैं आंसर में एक बार इसको। तो दोस्तों 5.1 है इसका 10th पार्ट हमारा। ये अपने देखते हैं कि D क्या आ रहा है हमारा, A आ रहा सेम आ रहा है, तो इसका आंसर क्या है मैथमेटिक्स के आंसर में भी यस ही दे रखा है, तो आपका आंसर यस ही क्लियरली, क्योंकि दोनों में A हमारा D1 और D2 आ रहा है, D1 = D2, तो दिस इज एन AP। और नेक्स्ट टर्म लिखना बिल्कुल ये आसान है इसके लिए, क्योंकि 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 6A, 7A इस तरह हम लिख सकते हैं ये टर्म्स, अगली टर्म्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही 5 पार्ट्स कवर करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा उसमें अगले 5 पार्ट्स भी हम कवर कर लेंगे, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये हमारा ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो आपका इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें, और आपको इजी भी रहता है। यदि आप क्वेश्चन से क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो आप प्लेलिस्ट में क्वेश्चन वाइज चेक कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन वाइज नंबर डाल रखे हैं उसमें, उसके जो होता है डिस्क्रिप्शन में, सॉरी जो टाइटल होता है उसमें डाल रखे हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये कौन से की वीडियो, ये कौन से क्वेश्चन नंबर की वीडियो है, तो उससे आपको फायदा हो जाता है डबल। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, पसंद आया तो लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और ये वीडियो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।